करोगे? मेन हमारा काम क्या, दारू का था, वाइन। हम लोग आनंद कुमार मेवाड़ा नाम है, मेवाड़ा है हम लोग, तो हमारा खानदानी धंधा वाइन का है। तो वो छोड़ के मैं इस लाइन में, नॉनवेज की लाइन में घुसा। हाउस ऑफ दावत के नाम से नॉनवेज का काम मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि वाइन के साथ साथ आदमी को नॉनवेज चाहिए चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे को बनाने का बहुत शौक था। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे करके मैंने रेस्टोरेंट खोला। अरे सर, खुद का बिजनेस तो खुद का ही होता है, नौकरी नौकरी है। खुद का बिजनेस तो बोली उसमें 10 रुपये कमा रहे हैं, बोली 1000 रुपये कमा रहे, बोली 1,00,000 रुपये, वो खुद का एक दिल को जो एक मिलता है ना सुकून, वो एक अलग ही चीज़ है जो खुद का करने में है, वो तो ही है। तो सर ये धंधा है अपना, अपना खुद का धंधा करो, बढ़ाओ, खिलाओ पिलाओ लोगों को, मजे करो। जो खा के आदमी आशीर्वाद देता है, जिसका अपन पेट भरते ना, जो आशीर्वाद देता है ना, उससे आदमी की अपना आप धीरे धीरे, अपना आप ऊपर वाला माते श्री की कृपा, अपना आप धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है, कभी नहीं घटेगा। और आप मस्त रहोगे, खाओगे पियोगे, रात को घर जाके आराम से ऐसे नींद आएगी खट, आ हा हा के मजा आ गया, आज इतने पैसे आए हैं अपने पास, कल वापस इसी को करेंगे और डबल करेंगे। ऐसे करते जाओ और मस्त रहो, खाओ पियो, मजे करो। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज वापस दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने, जो रेस्टोरेंट्स प्लस टेक अवे का बिजनेस करते हैं। आप उस बिज़नेस को कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं सर से निकलवाने वाला हूँ। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अलग अलग कैटेगरी के वीडियोज़ पहले ही बना के अपने चैनल पर डाले हुए हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों से आपको मिलवाने वाला हूँ, ताकि आप उनको देख के इंस्पायर हो और ख़ुद का कुछ ना कुछ बिज़नेस कहीं पे भी देख रहे हैं आप मुझे क्रिएट कर सकें, और खुद भी आगे बढ़ें और इंडिया को भी आगे बढ़ाएं। तो मैं बिना किसी देरी के साथ सर से मिलवा देता हूँ आपको। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो ब्रांड है ना, उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम आनंद कुमार मेवाड़ा है, अपना रेस्टोरेंट का नाम है हाउस ऑफ दावत। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपका जो फर्म है ना, आपका जो रेस्टोरेंट है, उसका नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा। सर कुछ एक क्वेश्चन होंगे मेरे, है ना, वो मैं आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे जो मैं आपसे पूछूंगा, और आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कब स्टार्ट करा था ये बिजनेस, वो बताएं। ये मेरे को 8 साल हो गए हाउस ऑफ दावत को स्टार्ट किए, 8 साल हो गए। मेन हमारा काम क्या, दारू का था, वाइन। हम लोग आनंद कुमार मेवाड़ा नाम है, मेवाड़ा है हम लोग, तो हमारा खानदानी धंधा वाइन का है। तो वो छोड़ के मैं इस लाइन में, नॉनवेज की लाइन में घुसा। हाउस ऑफ दावत के नाम से नॉनवेज का काम मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि वाइन के साथ साथ आदमी को नॉनवेज चाहिए चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे को बनाने का बहुत शौक था। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे करके मैंने रेस्टोरेंट खोला, फिर उस हिसाब से इसका बिजनेस चालू किया रेस्टोरेंट का, हाउस ऑफ दावत के नाम से। अच्छा सर, आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है और आने वाले टाइम पे भी धीरे धीरे देखेगा, तो आप ही के जैसा बिजनेस कोई हमारे यूथ भाई खोलना चाहे, तो शुरुआती लेवल पे सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखे वो बताएं। बिल्कुल सर, आपको खाना बनाने का खुद को एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेन सबसे बात ये है कि आप बोले मैं लेबर के भरोसे काम कर लूँ, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि लेबर तो आज है कल नहीं है। अगर आपको खुद को बनाना था, आप लेबर साथ में है चलो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ साथ में उस काम को खुद को भी आना चाहिए, फिर उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, वरना बहुत तकलीफें आती है, ये है। अच्छा सर, कितना स्कोप है आगे आने वाले टाइम पे? बहुत सर, खाने का तो इसको हर आदमी को खाना चाहिए, अच्छा खाना है। आदमी जैसे मेरा हाउस ऑफ दावत पूरे इंडिया से आते हैं, आप मेरे किसी भी चैनल पे हाउस ऑफ दावत का नाम डालोगे तो पूरे इंडिया में आप डालोगे तो पता लग जाएगा आपको, बिल्कुल एकदम बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, मज़ा आता है आदमी को। हर आदमी को खाना तो 2 टाइम रोटी चाहिए चाहिए खाना, तो आदमी को यहाँ वेज भी नॉन वेज, मेन नॉन वेज है हमारा, वेज भी साथ में स्पेशल बनाते हैं हम लोग। जैसे गुलाब, हम जोधपुर से हैं तो गुलाब जामुन की सब्ज़ी, चक्की की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, दाल पनीर वो भी बनाते हैं साथ में, बाकी नॉनवेज के तो स्पेशलिस्ट है ही हैं हम लोग। रेस्टोरेंट बिजनेस में एक स्वाद बहुत मैटर रखता है ना? बिल्कुल सर, स्वाद के बिना तो कुछ नहीं। अगर आपको खा रहे हो और स्वाद ही नहीं आएगा तो वो एक बार खा लेगा, 2 बार, 3वीं बार नहीं खाएगा। स्वाद तो उसमें खाने में चाहिए चाहिए, और वो स्वाद के पीछे ही आदमी आता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपका वीडियो देखा, मैं इंस्पायर हो गया है ना, अब मैंने खोल लिया कहीं पे भी एक रेस्टोरेंट, तो आप मुझे बताएं कितना पैसा लगेगा एक्चुअली शुरुआती लेवल पे? शुरुआत में करीब
चार से पाँच लाख रुपए में ये बिजनेस हो जाता है, लेकिन आपका टेस्ट साथ में मेन टेस्ट है, टेस्ट ही है। चार पाँच लाख में इक्विपमेंट और वगैरह बैठने की जगह वगैरह मिल जाती है, उस हिसाब से फिर आप उसको कैसे आगे उसको बढ़ा सकते हो, वो चीज़ है। सर एक ये रेस्टोरेंट बिजनेस चलाने के लिए एक एरिया बहुत मैटर रखता है, आपका तो एरिया पोस है ना, तो आप मुझे बताएं किस एरिया में मैं खोलूं, वो बताएं। वो जहाँ एक आदमी का आराम से बैठने की व्यवस्था हो, गाड़ी पार्किंग करने की, क्योंकि आजकल सबके पास गाड़ी घोड़े हैं, तो आदमी का अगर आपके पास टेस्ट अच्छा है तो आदमी ऑटोमेटिक आप जहाँ भी हो 8-10 किलोमीटर के अंदर, मैं तो पूरे इंडिया से आते खाने, लेकिन जहाँ आप खोलना चाहो वो एरिया बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मतलब थोड़ा अच्छा एरिया है, तो आदमी आता जा रहा, जहाँ आदमी आता जाता रहता हो और चलता हुआ रोड हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा सर, हमें गांव से भी हमारे दर्शक देखते हैं, यूथ भाई, यूथ जो युवा लोग हैं वो देखते हैं, तो क्या गांव में भी मैं खोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं भी खाना चीज़ है, गाँव हो, शहर हो, टाउन हो, महानगर हो, कुछ भी हो, सब जगह चलता खाना पीने। खाना तो एक ऐसी चीज़ है आदमी को चाहिए, जहाँ भी आप खोलेंगे वहाँ चलेगा ही चलेगा, बस थोड़ा सा मतलब कस्टमर के साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा रखें, उनको जितना अच्छा हो सके उसको बना के अच्छा खिलाने की कोशिश करें, बस मेरा तो एक ही है, मेन वो है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मेरे पास फंड्स नहीं है और मैं खोलना चाहता हूँ, तो क्या मैं लोन्स वगैरह ले सकता हूँ? बिल्कुल, आप बैंक से लोन वगैरह ले सकते हो, आजकल बैंक और अदर भी बहुत ऐसी कंपनी खुल गई जो आपको सपोर्ट करती है इसके लिए, बिजनेस के लिए सपोर्ट करती है आपको, उसमें कोई इश्यू नहीं हो, आपको हो जाता है लोन वगैरह सब मिल जाता है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना प्रॉफिट अगर आप बताना चाहें, एक दिन के तौर पे, सालाना के तौर पे या मंथ के तौर पे, कितना हो जाता है पूरा खर्चा निकाल के? सर इसमें अलग अलग चीज़ में अलग अलग प्रॉफिट होता है, किसमें 30%, किसमें 40%, किसमें 35% ऐसे रहता है, बाकी साथ में खर्चे भी होते हैं बहुत, लेबर है, माल है, आपका लाइट बिल है, किराया है, आपकी जो लेबर साथ में आपके साथ काम कर रही स्टाफ है उसका खर्चा वर्चा वो है, अच्छा 30-35% बच जाता है ऐसे। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस बिजनेस को करने के लिए मुझे लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी क्या? वो फूड लाइसेंस तो भले आप कोई भी करो, फूड लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, फूड लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी, वो आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी, और साफ सफाई वगैरह वो सब आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा सर, शुरुआती लेवल पे मैं कितने वर्कर के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ, कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी? कम से कम दो, एक आप और एक दो आदमी तो आपको चाहिए इसके लिए, आपको कटिंग वटिंग के लिए, सफाई वफाई के लिए वो सब चाहिए, फिर आपको वेटर भी चाहिए जो खाना परोसगारी वगैरह उनको खिला सके वगैरह, वो तो दो तीन आदमी चाहिए, उसके बिना तो संभव नहीं। अच्छा सर, अभी आपके पास कितने वर्कर, कितने बंदों को रोजगार दे? मेरे छः आदमी का। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपके, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने तो बीकॉम किया है बॉस, बीकॉम फाइनल किया, उसके बाद से धंधे में लग गए। अच्छा सर, आप ये बताएं, आपने नौकरी भी करी हुई है क्या? बिल्कुल, मैंने नौकरी, खुद का बिजनेस, अभी तो अपने खुद का ही बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी वोकरी सब बहुत की हुई है, बहुत की हुई है, ये तो 8 साल, अभी मैं 53 ईयर का हो गया, 8 साल से अपना धंधा, उससे पहले नौकरी करते थे हम, तो किसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है? अरे सर, खुद का बिजनेस तो खुद का ही होता है, नौकरी है, खुद का बिजनेस तो भले उसमें 10 रुपये कमा रहे हैं, भले 1000 रुपये कमा रहे, भले 1 लाख रुपये, वो खुद का एक दिल को जो एक मिलता है ना सुकून, वो एक अलग ही चीज़ है जो खुद का करने में है, वो तो ही है। कभी डीमोटिवेट होते हैं जैसे धंधा नहीं चल रहा, तो अपने आप को इंस्पायर कैसे करते? नहीं सर, ऐसा है नहीं, आप खाना अच्छा बनाओगे चलेगा 100% चला, मैं चला ही रहा हूँ 8 साल से, आप देख ही रहे हो, आप भी अभी 1-2 घंटे से खड़े हो, देख रहे हो कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको खा के मज़ा आ रहा है, बस यही चीज़ है, खा के आदमी को मज़ा आना चाहिए, जैसे एक एक मुँह अंदर जाए बोले हाँ मज़ा आ गया, बस वो चीज़ चाहिए मेन खाने में, वो है टेस्ट, टेस्ट के बिना कुछ नहीं। अच्छा, मैंने सुना कुछ डिशेज आपकी है ना बहुत पॉपुलर है, हाँ। है ना, तो वो एक बार बताना चाहें कौन कौन सी डिशेज हैं और अभी कौन क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक अगर आना चाहें, आप, मैं आज जयपुर में आया हुआ हूँ है ना, और मैं सर का एड्रेस मैं नीचे डाल दूंगा है ना, तो आप अगर खाना चाहते हैं है ना, स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप एड्रेस पे आके खा सकते हैं। अच्छा सर, अब बताएं कौन से फेमस वो है? मेरे सबसे ज़्यादा तो राजस्थानी मटन चलता है, जो जोधपुरी स्टाइल में हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल देसी घर जैसा एकदम, आदमी खा के लगता है यार कुछ खा रहे हैं, मटन मेरे पास आते हैं ना पूरे इंडिया से, तो बोलते सर हम लोग नॉनवेज के इतने चूजी है, लेकिन जो टेस्ट आपके यहाँ आता ना साला कहीं आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, आप
मैंने कहा सर हम तो प्यार से दिल से, मेरा नाम आनंद है तो आनंद से खिलाते हैं उनको और बनाते भी आनंद से, कि एकदम आदमी को लगे कुछ एक चीज़ खा रहे हैं वो भी है। उसके अलावा देसी घी में हम लोग मटन स्टू बनाते हैं, वो सब बोलते हैं वाइट होता है नहीं होता, मैं उसको नहीं मानता, मैं मेरे स्टाइल से बनाता हूँ देसी घी में खड़े मसाले में, खा के आदमी को लगता है अरे यार ये भी कोई चीज़ बनाई है। एक चिकन करी बनाते हैं वो भी सब सब देसी स्टाइल में बनाता हूँ मैं, ऐसे नहीं मीठी मीठी वगैरह नहीं, एकदम बढ़िया एकदम जैसे घर पे कैसे आदमी को बोले यार देखते ही ऐसा लगे कि अरे यार ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, ये वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बनाते हैं, मटन चिकन अंडा करी कीमा कलेजी, वेज में गुलाब जामुन की सब्ज़ी, चक्की की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, पनीर दाल वगैरह ये सब हम लोग बनाते हैं। स्वाद ही मैटर करता है, तभी स्वाद के बिना कुछ नहीं है सर, स्वाद ही है सबसे बड़ा मैटर ही स्वाद का है खाने का। वो उसमें आप उसमें क्या मसाले, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं साबुत मसाले लेते हैं, साबुत मसाले को फिर पिसवाते हैं, उसका जो नॉनवेज में जो टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल अलग ही आएगा। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, अपना खुद के रेस्टोरेंट में भी कहीं बनाओ तो कर सकते हो, उसमें टेस्ट बिल्कुल 100% चेंज आएगा ही आएगा, और उसको खाने से आदमी को संतुष्टि मिलेगी मिलेगी, हाँ यार कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज़ है। अच्छा सर, यूथ को इंस्पायर करने के लिए अगर दो शब्द पूछना चाहूँ क्या दो शब्द होंगे? बिल्कुल सर, ये धंधा है अपना, अपना खुद का धंधा करो, बनाओ खिलाओ पिलाओ लोगों को, मजे करो, जो खा के आदमी आशीर्वाद देता है, जिसका अपन पेट भरते हैं ना, जो आशीर्वाद देता है ना उससे आदमी की अपना धीरे धीरे अपना ऊपर वाला मातेश्री की कृपा, अपना धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है, कभी नहीं घटेगा, और आप मस्त रहोगे खाओगे पियोगे, रात को घर जाके आराम से ऐसे नींद आएगी खट आ हा हा कि मजा आ गया, आज इतने पैसे आए हैं अपने पास, कल वापस इसी को करेंगे और डबल करेंगे, ऐसे करते जाओ और मस्त रहो खाओ पियो मजे करो। नौकरी या बिजनेस क्या बेस्ट है आपकी नज़र? बिजनेस सर, बिजनेस। हाउ? बिजनेस कैसे पूछना था? बिजनेस सर अपना खुद का होता है, आप अपने खुद के मन के मालिक हो, आप कहीं कभी भी आ सकते हो जा सकते हो, और उसको पूरा आपका खुद का रहता तो आप उसको पूरा ध्यान दोगे, प्रॉपर ध्यान दोगे, अरे यार ये मेरा है, मेरा कस्टमर नाराज़ नहीं होना चाहिए, मैं उसको अच्छे से अच्छा खिलाऊँ, उसकी अच्छे से अच्छा उसको एकदम खिला के उसको पूरी चीज़ उसको लगे कि हाँ एकदम सही है, घर जैसा है या माहौल, फैमिली आए बैठे खाए और उनको दिल से लगे नहीं है आपका अच्छा है खाना, तो फिर वो एक की जगह चार आदमी को बोलते, चार फिर आठ को। मैंने ऐसे ही बिजनेस किया, मेरा पहले 2000 से हुआ, फिर 4000, फिर 8000, फिर 10000, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहा। तो ये सब आपको खुद को ही मैनेज करना था, वो आप खुद के धंधे में खुद के बिजनेस में ही कर सकते हो, नौकरी में नहीं कर सकते। अच्छा सर, मेरा मानना है। अच्छा सर, आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन करे आपके बिजनेस के ऊपर, अगर आपको लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया हो और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें वो ऐड कर। नहीं कुछ नहीं, इसमें तो प्रॉपर है, आप कस्टमर को पूरी सर्विस दो, मेन वो है, कस्टमर आए ना उसको आदर सत्कार, अगर उसको बोले यार सर मेरे को ये थोड़ा ये फ़र्क रहेगा तो कुछ नहीं, बोला सर ये नहीं तो आप ये टेस्ट करके ये कर, उससे कोई नहीं फर्क, कस्टमर नहीं जाना चाहिए, मैन कस्टमर को एकदम प्रॉपर उसको पूरी ऐसा लगे कि नहीं ये रेस्टोरेंट मेरा खुद का है, मैं मेरे साथ खाना खाने जाऊँगा, मेरे चार दोस्तों लाऊँ मैं ये आऊँगा, ये चीज़ होनी चाहिए, मैन बात को। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अमूल्य टाइम मेरे साथ शेयर करा उसके लिए, और मेरे दर्शकों के साथ शेयर करा उसके लिए। मैं सर का एड्रेस मैं नीचे डाल रहा हूँ, अगर आपको स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाना है ना, तो आप एड्रेस पे आके है ना सर को सेवा का मौका प्रदान जरूर कीजिएगा। थैंक यू सर अपना अमूल्य टाइम देने के लिए, मैं दोबारा आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और गाइज वीडियो अगर अच्छा लगे है ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरे इंडिया से आप मुझे कहीं पे भी देख रहे हैं है ना, खुद का स्टार्ट कीजिए है ना, चाहे ये नहीं को दूसरा बिजनेस आपके मन में है ना तो वो स्टार्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी किसी महान शख्सियत के साथ जो उनके बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बॉस।